पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में टोल प्लाजा पर सैनिकों की मौजूदगी को लेकर प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ता ही जा रहा है। टोल प्लाजा पर सैनिकों की मौजूदगी पर राजनीति करके ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि वो राजनीति के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जे मिथ्ये कथा बोलछे तीन बार तीन रकम क्लारिफिकेशन दिए जे डेटा कलेक्शन जो डेटा किन्तु मने रखबेन आपनारा नैशनल हाईवे अथॉरिटी काछे आछे अवेलेबल डेटा कौन स्टेटे की धरनेर गाड़ी जाए कौन नैशनल हाईवे पर की जाए इट इज अलरेडी देयर सब बाजे कथा शुधु बांगलाय केन मानुषेर कथा बोलछि बोले मानुषेर कथा बोलते आमी आगेओ आपनादेर बोलेछिलाम प्रथम दिन बा द्वितीय दिन जे प्रयोजन होले आर्मी के दिएओ गुलिओ कराते पारे बोलेछिलाम कि बोलिनि रेकर्ड बेर करुन आमी एदेर खूब भालो चिनि आमी एखोनो बोलछि হয় বাঁচবো নয় মরবো কিন্তু মানুষের গণতান্ত্রিক সরকার আমি গণতন্ত্রকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য লড়াই করব। वही ममता बनर्जी के सवाल पर लोकसभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जवाब दिया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ममता बनर्जी के आरोपों से काफी आहत दिखे। आप भी सुनिए पर्रिकर का इस मामले पर ये बयान जो उन्होंने सदन में दिया है। आज एक राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार भारतीय सेना के बारे में कहा है उसे मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। मुझे सदन को इस बारे में कहना है कि एक आर्मी का रूटीन एक्सरसाइज होता है जो पिछले कई बरसों से जारी है। पिछले बरस भी 19 प्लीज लिसन तारीख को पूरा सुनिए तो सही प्लीज। पिछले बरस भी यस प्लीज प्लीज यस ये एक्सरसाइज हुआ था 19-21 नवंबर 2015 में हुआ था और पिछले करीबन 15-20 सालों से एक्सरसाइज चालू है। यस प्लीज प्लीज आप बोलते जाइए। इस बार भी काकोली जी राज्यों में काकोली जी प्लीज राज्यों के साथ ईस्टर्न कमांड ने ये एक्सरसाइज बंगाल आसाम अरुणाचल और अन्य सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य में अभी जारी है। उसके पहले यूपी झारखंड बिहार में भी हुआ है। इस बारे में प्लीज प्लीज यू कंप्लीट योर स्टेटमेंट। इस बारे में सेना ने इस बरस भी अलग अलग राज्य में कंसर्न ऑफिशियल को इसकी इस राज्य में वेस्ट बंगाल में कंसर्न ऑफिशियल्स को इसकी जानकारी दी थी। प्लीज प्लीज ओरी यस आप कंप्लीट करें। ओरिजिनल इसके इसका जो तारीख थी तय की थी वो 28 29 और 30 थी जिसको पुलिस के एडवाइस के मुताबिक 1 और 2 दिसंबर को बदला गया क्योंकि पुलिस ने कहा कि 28 तारीख को वहाँ बंद है तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा तो इसलिए 1 और 2 तारीख को कर दिया गया। ट्रैफिक कंजेशन के डर के कारण ये सब कार्यक्रम में जॉइंट इंस्पेक्शन पुलिस के साथ भी की गई है। पुलिस के साथ कहाँ लगाना है कैसा लगाना है इसका जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है। मुझे इस सदन को कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस प्रकार के सेना का रूटीन एक्सरसाइज को कॉन्ट्रोवर्सी बना लेना एक गलत है और इंडिकेट्स पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन रादर देन करेक्ट एस्पेक्ट बीइंग पॉइंटेड आउट। ये केवल पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन। तो सुना ना आपने किस कदर मनोहर पर्रिकर को दुख हुआ है सेना पर सवाल उठाने वाले ममता बनर्जी की ओछी राजनीति से। सेना पर सवाल उठाने वाली ममता बनर्जी की ओछी राजनीति से जनता सब देख रही है और वो भली भांति जानती है कि जो देश के जवानों पर राजनीति कर सकती है वो भला जनता का कैसे भला करेगी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।